मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा के रेती बंदर विसर्जन घाट के रास्ते नाव के जरिए आखिर क्या लाया जा रहा है? सफेद बोरियों में कुछ भरा हुआ है, करीब नाव में 15 से 16 बोरियां हैं, जिसे नाव से उतार कर एक ऑटो रिक्शा में रखा जा रहा है। आखिर खाड़ी के रास्ते नाव के जरिए क्या लाया जा रहा है, ये एक रहस्य बना हुआ है। ये वीडियो हमारे एक व्यूअर ने भेजा है और हमें बताया है कि पहले यहाँ पर एक कार आती है और उसमें जो कार में आदमी बैठा है वो पहले यहाँ पर देखरेख करता है, उसके बाद जो है यहाँ पर नाव आती है और एक ऑटो रिक्शा आता है। नाव में आप देखेंगे कि करीब 15 से 16 सफ़ेद रंग की बोरियाँ हैं और इसमें कुछ भरा हुआ है, जिसे उतार कर ऑटो रिक्शा में रखा जा रहा है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शराब तस्करी बताया जा रहा है, मगर हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इसमें कोई भी नशीला पदार्थ जैसे चरस, गांजा, ड्रग्स हो सकता है, या फिर इस नशीले पदार्थ के अलावा और भी कुछ सामान इसमें हो सकता है। मगर सवाल उठता है कि आखिर खाड़ी के रास्ते 15 से 16 सफ़ेद बोरियों को लाना और मुंब्रा रेती बंदर विसर्जन घाट पर ऑटो रिक्शा में लोड करके वहां से चले जाना, इशारा तो नशीले पदार्थ के तरफ ज़रूर कर रहा है, मगर ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और इसकी जांच करे कि आखिर मुंब्रा रेती बंदर खाड़ी में नाव के जरिए सफ़ेद बोरियों में क्या लाया जा रहा है, क्या वाकई में इसमें नशीले पदार्थ लाए जा रहे हैं, या फिर नशीले पदार्थ के अलावा कोई और भी सामान नाव के जरिए खाड़ी के रास्ते लाया जा रहा है। बहरहाल ये पूरा मामला जाँच का है। Hello, bro.